हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये इन वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप 2018 में जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी लेवल का, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख सकते हैं। ये पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि सभी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2018 में एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था और ये टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है। देखते हैं इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय या गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है, तो यह है अधिगम अक्षमता का या लर्निंग डिसएबिलिटी। नेक्स्ट है, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है दंड या पनिशमेंट। नेक्स्ट है, 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नांकित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है पश्चगमन का, रिग्रेशन का। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है, जिसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये सही है। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट है ये बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है और यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, इसमें जो शेपिंग है वो नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ही हैं, सम्मिलन, आत्मसातीकरण और अनुकूलन, ये सभी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है, तो वो प्रयोग कर रहा है धारावाहिक स्मृति का, एपिसोडिक मेमोरी का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें से जो सृजनात्मक बुद्धि है वो गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि का प्रकार नहीं है। उसने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये जो मैं आंसर बता रही हूँ ये सभी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती है। जल्दी ही वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधि प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है, तो यह सर्वोत्तम व्याख्या है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्लासिकल कंडीशनिंग का। नेक्स्ट है, बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो थर्ड है वो सही नहीं है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ है वो सही है। तो जो सही नहीं है उसको तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सही है वो हमें याद करना है, हो सकता है कि वो एग्जाम में दोबारा पूछा जाए। खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती जाती है, आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता जाता है और आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें से कार चलाना ये रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है, बाकी आंख झपकाना, चूसना और तैरना ये सभी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है, वो हो जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है,
तो इसमें जो शेपिंग है वो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। बाकी विलोपन, स्वतः पुनः प्राप्ति और उद्दीपक विभेदन, ये सभी शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं, एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का या प्रोसीजरल नॉलेज का। स्टनबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें जो संगीतीय बुद्धि है वो एक प्रकार नहीं है। बाकी कौन कौन से प्रकार है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और प्रायोगिक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी है। तो ये दी है लियो कैनर ने। नेक्स्ट है जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजना बंद हो जाता है, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण है नकारात्मक पुनर्बलन का या नेगेटिव री इन्फोर्समेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है, यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो ये है सिर से पैरों की ओर। ये विकास के जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मोस्टली उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सेकंड है वो सत्य नहीं है, बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सभी सत्य हैं। बुद्धि के अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है और बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें जो फोर्थ है वो समाजीकरण की प्रतिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों आते हैं। सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना और सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट है यह कथन कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो ये सर्वोत्तम व्याख्या है व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा देखा। भय के इस प्रकार वापसी को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्वतः पुनः प्राप्ति, स्पोन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है, जैसा कि प्याजे ने बताया? तो ये शो करता है सहयोग की नैतिकता का प्रारंभ को, बिगनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट, नाटकीय खेल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो फोर्थ है ये सही नहीं है, बाकी यह एक सक्रिय खेल का प्रकार है। यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है, तो ये संकेत है लौकिक नैतिकता का। निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो ये है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है यह है आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है, रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया है, तो ये दिया है कैरोल के द्वारा। ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है? तो ये समाहित है एक्सो तंत्र में।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो फर्स्ट है वो सत्य नहीं है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सत्य है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन या जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जो फोर्थ है ये सही नहीं है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सही है। यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है। यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है और यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप एचटेट, सीटेट या नेट जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साइड में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।